पापा वहाँ पे काम कर रहे थे, उनका पैर दो तीन दिन काम कर रहे, उन्हें सरबरी को यहाँ सीख ले तो वो उनका पैर टूट गया। सामने देखो, उनका पैर टूट गया, हमको पता चला और उसके बाद मम्मी को पता चला, तो हम लोग कहे पापा का पैर टूटा है, चलिए लेके आया जाए उनको। हम लोग गए लाने के लिए, दो तीन दिन वहाँ पे रहे तो लॉकडाउन हो गया, तो गाड़ी उड़ी सब बंद हो गया, आने का कोई व्यवस्था नहीं था हम लोगों के पास। उसके बाद हम लोग ठेला था हमारे पास, उसके बाद हमने पापा से बोला पापा चलिए ठेला से चला जाए, हम अपनी हिम्मत से लेकर चलेंगे आपको, आप चलिए, और कहूँ ज़्यादा दिक्कत होगी तो रोक के 5 मिनट आराम करके चला जाएगा। मेरे पास 6-6 बच्चे हैं, लाने पति को देखने गए तो लॉकडाउन लग गया, आ नहीं पाए, गाड़ी घोड़ा मिलता नहीं रहा, तो ये बच्चे बोला कि मम्मी पापा आपको हम साथ हैं, आप लोग हमको लेकर चलिए, रास्ते पर खड़ी हमको डर नहीं लगे, कहीं साथ में रहिए। तो बच्चे के किसी तरह से टांगते टूंगते पेड़ पर कहीं के रुक जाते थे, बच्चा दिन भर खाना नहीं मिलता था, बहुत अफसोस रहती थी हम, बच्चा किसी के दर 9 दिन 9 रात में हमें घर ले आए, सर जी हम लोग को बसने का बीटा नहीं है, घर नहीं है, बच्चे हैं, हम लोग को अपना जगह नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग भूमि बिकार गरीब, बहुत गरीब है हम लोग। इसकी माँ वहाँ बेचैन हो रही थी, रास्ता घाट बंद था, तो बच्चे बोलने लगा कि पापा हम है ना चला लेंगे, हम चलिए आप, आपको रास्ता घाट देखा हुआ है मालूम है, चाहे जितना दिन लगेगा यहाँ भी बैठ के खा रहे हैं, रास्ते ही में जो जैसे होगा चलिए हम ले करके चलेंगे। तो वो बच्चे ने वहाँ पे हिम्मत करके किसी तरह ले करके घर तक पहुँचा, 9 दिन 9 रात लगा आने में, रात जहाँ होती थी पेट्रोल पंप पर हम लोग रुक जाते थे। रास्ते पे हम लोग को बहुत दिक्कत हुई है, उसके बाद हम लोग किसी तरह भी अररिया जिला पहुँच गए उधर। कितना दिन लगा आने में ठेला से वहाँ से? 9 दिन 9 रात। 9 दिन 9 रात तक मतलब कंटिन्यू तुम ही चलाए ठेला? हाँ।